नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन अकेडमी असिंद के इस यूट्यूब चैनल पर। हम टारगेट 100 के तहत सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जो पिछली कक्षा है उसके बारे में हमने सोशल साइंस का जो आपके जो इतिहास का जो पार्ट है उसके बारे में हमने बात की, और जो अंतिम वंश जो हमने पढ़ा था वर्धन हंस हमने पढ़ा था, उस हमने देखा कि जो हर्षवर्धन है वो जो है उस वंश के अंतिम शासक थे, जो कि निसंतान होने के कारण, यानी जो हर्षवर्धन है उनके किसी प्रकार की संतान नहीं थी, ना कोई पुत्री थी ना कोई पुत्र था, जिसके कारण क्या है वर्धन जो वंश का जो है हर्षवर्धन के बाद निसंतान होने के कारण क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। ये हमने यहाँ तक हमने चर्चा कर ली थी। आज हम बात करने वाले पाल वंश को लेकर हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, जैसे कि आप जानते हो कि ये जो क्लासेस चल रही है रिवाइज क्लासेस चल रही है, जिसमें आपका जो भी पूरा कोर्स है वो जो हम रिवाइज करवा रहे हैं, इसलिए जो एक चार्ट के रूप में आप इसको पढ़े और 100% आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। देखिएगा, पाल वंश की अगर हम बात करते हैं, पाल वंश की अगर हम बात करें, पाल वंश के जो संस्थापक हुए, पाल वंश के संस्थापक कौन है, गोपाल। कहां पर, बंगाल में इन्होंने इस वंश की नींव रखी थी पाल वंश की, और गोपाल पाल, गोपाल पाल जो है इस वंश के संस्थापक थे। गोपाल पाल, गोपाल पाल के बाद जो शासक बनते वो बनते धर्मपाल बनते हैं। गोपाल पाल के बाद ध्यान रखिएगा, इतना मुख्य जो ध्यान रखना है, पाल वंश के संस्थापक कौन है, गोपाल है। इसके बाद जो शासक बनते हैं धर्मपाल, धर्मपाल को इस पाल वंश का सबसे महान राजा माना जाता है। पाल वंश का जो सबसे महान राजा माना जाता है किसको माना जाता है, धर्मपाल को। इसके बारे में ध्यान रखना है कि देखो इन्होंने क्या किया था, एक तो प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इनसे क्या लिया था, लड़ा था युद्ध, लड़ा था प्रतिहारु और इनसे क्या लड़ा था, इसने युद्ध लड़ा था। और ये जो है गोविंद तृतीय जो है उसे क्या हो गया, पराजित हो गया, आगे हम बात करेंगे। धर्मपाल ने प्रतिहार व राष्ट्रकूट से साथ क्या लड़ा था, युद्ध लड़ा था। इन्होंने राज्य का विस्तार कहां तक किया था, कन्नौज तक इन्होंने किया था, राज्य का विस्तार किया था। इसके बाद हम बात करते हैं धर्मपाल के बाद जो शासक बनते वो बनते देवपाल। देखिए देवपाल के लिए मुख्य रूप से जानना है कि देवपाल ने क्या किया, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, यानी देवपाल जो है बंगाल से अपनी राजधानी को कहां ले गया, पाटलिपुत्र ले गया। देवपाल ने पाटलिपुत्र को पाल वंश की राजधानी बनाया। ध्यान रखिएगा, कौन से पाल शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, किसने बनाया था, देवपाल ने बनाया था। किसने बनाया था, देवपाल ने। देखो इसके शासन काल में ही इसके दरबार में एक दूत आया था, किसका, सुमात्रा के एक राजा थे, सुमात्रा के राजा जिसका नाम था बालपुत्र देव। सुमात्रा के एक राजा था, सुमात्रा के राजा का क्या नाम था, बालपुत्र देव। बालपुत्र का जो दूत है इन्हीं के शासन काल में इनके दरबार में आया था। अब देखिएगा, एक शासक और हुए थे इसके बाद देवपाल के बाद, एक हुए थे महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम के समय चोल शासक राजेंद्र, देखिएगा पाल वंश में, देखो महिपाल प्रथम, याद, ये जो मैंने लिख रखा है इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है, छोटे क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपके इसमें से। महिपाल प्रथम के समय चोल शासक राजेंद्र ने गंगा तक के प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया था, अपने को मिला लिया। देखिएगा जो देवपाल है, देवपाल ने क्या किया था, पाटलिपुत्र को जो है पाल वंश की राजधानी बनाया था। और देवपाल के बाद क्या होता है, जो पाल साम्राज्य जो है, यानी जो पाल वंश है, इनकी जो शक्ति है वो क्या होने लगती, धीरे धीरे क्या होने लगी, क्षीण होने लगी, यानी दुर्बल होने लग गए राजा, और आसपास के जो राजा है वो क्या करने लगे, इन पर अधिकार करने लगे, इन पर आक्रमण करने लगे। तो अगर हम बात करते हैं जो महिपाल प्रथम है, महिपाल प्रथम तक क्या हो गया, लगभग इस राज्य का क्या हो गया, पूरा अंत हो चुका था। यानी महिपाल प्रथम के समय जो एक चोल वंश का जो एक शासक था जिसका नाम था राजेंद्र चोल, उन्होंने क्या किया, जो गंगा नदी का जो तट है, गंगा नदी के तट पर जहां तक पाल वंश का जो शासन हुआ करता था, साम्राज्य हुआ करता था, वहां पर क्या कर लिया था, इसने अपना अधिकार कर लिया था। अब अगर अपन बात करते हैं इनकी स्थापत्य कला को लेकर, तो देखो पालवंशी जो थे ये कला और वास्तुकला के प्रेमी थे, यानी ये कला और वास्तुकला के प्रेमी थे। पालवंशी जो शासक ये कला और वास्तुकला के क्या थे, प्रेमी थे। इन्होंने क्या था, देखो दीनापुर में जलाशय बनवाया, यानी तालाब का निर्माण कराया था दीनापुर में, उनके अवशेष वर्तमान में भी उपलब्ध है वहां पे। अभी आप अगर कहीं जाओगे कभी दीनापुर जाने का, अगर आप देखोगे तो वहां इनके द्वारा बनाए गए जलाशय वहां पर आपको मिल सकते हैं। दीनापुर में इन्होंने क्या किया था, जलाशय का निर्माण करवाया था। तो ये हो गया पाल वंश। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। देखिएगा राष्ट्रकूट वंश जो है, इनके जो संस्थापक है वो कौन है, दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक है वो कौन है, दंती दुर्ग ने इस वंश की नींव रखी राष्ट्रकूट की। और दे बात करते हैं दंती दुर्ग था कौन, दंती दुर्ग कौन था, देखो वातापी के, जो वातापी एक क्षेत्र है, वातापी में किसका शासन था, चालुक्य वंश का शासन था। वातापी के अंदर किसका शासन था, चालुक्य वंश का। चालुक्य वंश के सामंत थे कौन, दंती दुर्ग जो है, ध्यान दीजिएगा, दंती दुर्ग वातापी के जो चालुक्य थे उनके सामंत थे। सामंत का मतलब क्या होता है, उनके जो क्षेत्र विशेष उनको दे दिया जाता है, किसी प्रकार की जागीर उनको देकर उनको मतलब संभला दी जाती है, यानी ये उनके गुलाम रहकर काम करते हैं, उनको कर देते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, सामंत कहते हैं। तो जो दंती दुर्ग है ये वातापी के चालुक्य के क्या थे, सामंत थे।
अब इन्हें इसने क्या क्या दंतरुग्न ने धोखे से क्या क्या एक शासक हुआ था चालुक्य वंश का कीर्ति वर्मा, कीर्ति वर्मा को क्या कर दिया इन्होंने, पराजित कर दिया। चालुक्य शासक था एक कीर्ति वर्मा, उस कीर्ति वर्मा को क्या करते हैं दंतीदुर्ग क्या करते हैं आक्रमण करके पराजित कर देते हैं और क्या करते हैं राष्ट्रकूट की क्या रखते हैं नींव रखते हैं। इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई थी किसको बनाई थी, नासिक को अपनी राजधानी बनाई थी। देखिएगा नासिक को अपनी राजधानी बनाई थी किसने, राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे दंतीदुर्ग, इसने नासिक को अपनी राजधानी बनाई। इसके बाद जो प्रतापी शासक आते हुए थे कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम के लिए केवल इतना सा याद रखना इन्होंने क्या किया, जो एलोरा है एलोरा में जो कैलाश मंदिर है इसका जो निर्माण कराया था किसने कराया था, राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम ने कराया था। याद रखिएगा एलोरा में जो कैलाश मंदिर है इसका जो निर्माण करवाया था वो किसने कराया था, कृष्ण प्रथम ने एलोरा के जो कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद जो शासक आते हुए आते ध्रुव, ध्रुव ने क्या किया देखो, ध्रुव ने देखो गुर्जर प्रतिहार, जो गुर्जर प्रतिहार वंश जो है इसके जो शासक थे वत्सराज, गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक थे किसका क्या नाम था वत्सराज, वत्सराज को क्या किया पराजित किया। अगला अपन बात करते हैं गोविंद तृतीय के बारे में, गोविंद तृतीय ने क्या किया देखिएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश के नागपट द्वितीय, गुर्जर प्रतिहार वंश के नागपट द्वितीय और पाल वंश के धर्मपाल, अभी मैंने बताया था यहाँ पर देखो ये प्रतिहारों के साथ इसने लड़ाई ली थी धर्मपाल ने, बताया था गुर्जर तृतीय, माफ कीजिएगा गोविंद तृतीय जो है इन्होंने गुर्जर प्रतिहार के नागपट द्वितीय और पाल वंश के धर्मपाल को क्या किया पराजित किया। अगला था अमोघ वर्ष, देखिए अमोघ वर्ष जो है एक शांति प्रिय शासक था, इसको किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा करना या अपनी सीमा का विस्तार करना इसमें किसी प्रकार की इसको रुचि नहीं थी। यहां तक जो राजधानी थी कौन सी थी नासिक। अब क्या करता है देखो अमोघ वर्ष क्या करता है, राजधानी को नासिक से कहां लेके आ जाता है, मान्य खेत यानी मालखेड तक लेके आ जाता है, यानी जो राष्ट्रकूट है राष्ट्रकूट की जो राजधानी बनती है वो कौन सी बनती है, मालखेड बनती है। मालखेड जो राजधानी बनाई थी किसने बनाई थी, अमोघ वर्ष ने बनाई थी, किसने बनाई थी अमोघ वर्ष ने, ठीक है। अब देखो एक अरबी यात्री इसके दौरान इसके शासनकाल में अरबी यात्री आया था जिसका नाम था सुलेमान, सुलेमान क्या लिखता है इसके बारे में देखो, जो अमोघ वर्ष है अरबी यात्री जो है सुलेमान लिखा कि जो चार महान शासक थे इसके दौरान तत्कालीन जो चार महान शासक थे उनमें से अमोघ वर्ष भी एक महान शासक था, ये बात कौन कहता है अरबी यात्री सुलेमान कहता है। अगला आता है कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश का, इसने क्या किया देखो इसी के शासनकाल में चोल शासक यानी चोल वंश जो है इसके साथ दीर्घकालीन संघर्ष प्रारंभ होता है, यानी इस संघर्ष की जो नींव रखी गई है किसके साथ, चोल वंश के जो शासक है चोल वंश को चोल वंश के शासकों के साथ जो संघर्ष की जो नींव रखी गई थी, संघर्ष जो प्रारंभ हुआ था किसके दौरान हुआ था, कृष्ण तृतीय के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। इसके बाद आता है कर्क द्वितीय, कर्क द्वितीय के दौरान क्या हुआ यूं कह सकते हैं कि कर्क द्वितीय के बाद क्या होता है राष्ट्रकूट वंश का जो क्या हो जाता है अंत हो जाता है, ठीक है। क्या होता है इस दौरान कल्याणी के जो चालुक्य वंश के शासक थे, देखो एक तो चालुक्य वंश का शासन कहा था वातापी में था, एक कहा था कल्याणी में, कल्याणी में जो चालुक्य वंश का जो राजा था जिसका नाम था तेलप, कल्याणी में जो चालुक्य वंश का शासन था वहां का एक राजा था जिसका क्या नाम था तेलप, तेलप क्या करता है आक्रमण करता है और कर्क द्वितीय को क्या करता है हरा देता है, और जो राजधानी थी इनकी कौन सी मालखेड़, मालखेड़ पर क्या करता है अपना अधिकार कर लेता है, मालखेड़ पर अपना अधिकार कर लेता है। अब देखो जो अरब यात्री जो आए थे वो इस राष्ट्रकूट वंश के बारे में क्या लिखते हैं, अरबू ने इस वंश को या इस वंश के शासकों को क्या कहा था बलहरा यानी बलराज कहा, ठीक है। तो कहा जा पूछा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस वंश के शासकों को अरबू ने बलहरा या बलराज की उपाधि दी, तो किस वंश के शासकों को दी थी, राष्ट्रकूट के वंश के शासकों को बलहरा की उपाधि दी गई। अगला जो अपना वंश आता है वो आता है गुर्जर प्रतिहार वंश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका संस्थापक मुख्य रूप से आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है गुर्जर प्रतिहार वंश के जो संस्थापक उसको लेकर। देखिए देखिएगा गुर्जर प्रतिहार वंश इसकी अगर हम बात करें तो इसके जो संस्थापक थे कौन थे, नागभट थे, जिन्होंने 725 ईस्वी में क्या की इस वंश की नींव रखी थी, देखिएगा गुर्जर प्रतिहार वंश जिसके संस्थापक कौन है नागभट। देखो गुजरात में वैसे ये प्रतिहार थे लेकिन इस वंश की जो नींव रखी गई थी कहां रखी गई थी, गुजरात के अंदर रखी गई थी, इसलिए गुजरात के कारण इनके नाम के साथ क्या जुड़ गया गुजर जुड़ गया, ठीक है। तो गुजरात में उन्होंने इसकी नींव रखी इसलिए ये क्या कहलाया गुजर प्रतिहार कहलाया। तो गुजर प्रतिहार वंश के जो संस्थापक है वो कौन है, नागभट है, कौन है नागभट। इसके बाद जो शासक आते वो आते हैं वत्सराज, कौन आते हैं वत्सराज। वत्सराज के लिए भी ध्यान रखिएगा कि ये पहले गुजर प्रतिहार शासक थे जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की, याद रखिएगा पहले
गुजर प्रतिहार शासक जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की वो कौन है? वत्सराज। पहले गुजर प्रतिहार शासक जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की। इसके बाद आता है नागभट द्वितीय। नागभट द्वितीय के लिए केवल ये ध्यान रखना है आपको कि इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। नागभट द्वितीय से केवल ये याद रखना है कि इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। किसको बनाया? कन्नौज को। किसको बनाया? कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। अगला देखिएगा, अगला था राजा भोज प्रथम। ध्यान रखिएगा, इसको मिहिर भोज भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये मिहिर भोज। राजा भोज जिसे मिहिर भोज भी कहा जाता है, इसी के शासन काल में एक अरब से एक व्यापारी आया था सुलेमान। तो राजा भोज या जिसे मिहिर भोज कहते हैं, इसके शासन काल में सुलेमान जो कि एक अरब व्यापारी है वो भारत आता है। ठीक है, इसके बाद आता है महेंद्रपाल। महेंद्रपाल देखो किसका शिष्य था? राजशेखर। महाकवि थे एक, ये कवि थे महाकवि, राजशेखर के शिष्य थे। कौन? महेंद्रपाल राजशेखर का शिष्य था। राजशेखर जिन्होंने एक नाटक लिखा जिसका क्या नाम है? कपूर मंजरी। याद रखिएगा, राजशेखर ने एक नाटक लिखा, कौन सा? कपूर मंजरी नाटक लिखा। और इसके शिष्य कौन थे? महेंद्रपाल इसके शिष्य थे। महेंद्रपाल के बाद जो शासक बनते वो बनते राज्यपाल। राज्यपाल जो है अपन यूं कह सकते हैं गुजर प्रतिहार वंश के अंतिम शासक हम इनको कह सकते हैं। राज्यपाल जो जब गुजर प्रतिहार के शासक बनते हैं तो इस दौरान क्या होता है कि जो महमद जो गजनवी है इनका इन पर क्या होता है? आक्रमण होता है। राज्यपाल जब गुजर प्रतिहार वंश के शासक बनते हैं, इनकी राजधानी कन्नौज है, और क्या होता है कन्नौज पर? क्या होता है? महमूद गजनवी का क्या होता है? आक्रमण होता है। और जो राज्यपाल है ये डरकर क्या करता है? इस महमूद गजनवी की क्या करता है? अधीनता स्वीकार कर लेता है। अधीनता स्वीकार करने के कारण क्या होता है? इसके आसपास के जो राजा थे वो क्या हो जाते हैं? इससे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि इसने इनसे आक्रमण करने के बाद बजाय आक्रमण करने की बजाय इसकी अधीनता, क्योंकि जो नागभट है ये बहुत ही प्रतापी शासक थे और इन्होंने कई वर्षों तक अरबों को जो है खदेड़ दिया, उनको भारत नहीं आने दिया, अरबों को भारत आने नहीं दिया, उनको लंबे समय तक खदेड़ते रहे। लेकिन जो राज्यपाल है इन्होंने क्या किया, जब महमूद गजनवी क्या करता है यहाँ आक्रमण करता है कन्नौज पर, तो राज्यपाल क्या करता है? उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है, हार मान लेता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसके आसपास के जो राज्य थे उनके राजा क्या होते हैं? इससे नाराज हो जाते हैं। और एक दिन क्या होता है, मौका देकर जो कालिंजर जो राज्य था, कालिंजर में किसका शासन था? चंदेलू का शासन था। तो कालिंजर जो है, कालिंजर का एक चंदेल शासक था जिसका नाम था गंड। तो देखो क्या होता है, राज्यपाल अधीनता स्वीकार कर लेता है, इससे आसपास के राजा क्या होते हैं? नाराज हो जाते हैं। तो क्या होता है, कालिंजर का एक चंदेल शासक था जिसका नाम था गंड। राजा गंड ने क्या किया, इस पर आक्रमण किया, रहिए क्या करता है, राज्यपाल को क्या देता है? मार देता है। और क्या करता है, त्रिलोचन पाल को क्या करता है? इसके गद्दी पर बिठा देता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो राज्यपाल है जब ये महमूद गजनवी की अधीनता स्वीकार कर लेता है, तो कालिंजर में जो चंदेल शासक था जिसका नाम था राजा गंड, राजा गंड क्या करता है, राज्यपाल को मार देता है और गद्दी पर किसको बिठाता है? त्रिलोचन पाल को गद्दी पर बिठा देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये गुजर प्रतिहार वंश का क्या हो गया, अंत हो जाता है। ठीक है, तो ये मुख्य जो पॉइंट मैं लिख रहा हूं बोर्ड के ऊपर, आप उनको एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला अपन बात करते हैं चोल वंश की। देखो चोल वंश भी इंपॉर्टेंट है, इनके जो संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं विजयपाल। चोल वंश के जो संस्थापक थे कौन थे? विजयपाल। विजयपाल को जो है चोल वंश का संस्थापक माना जाता है। अब बात करते हैं इनका जो एक प्रमुख जो शासक कौन कौन से प्रमुख जो शासन था इनका, एक करिकाल, ये एक प्रतापी शासक था जिन्होंने क्या किया, पुगार या पुहार, पुगार भी, या इसको कहीं कहीं जगह पर आपको पुहार भी लिखा मिल सकता है, पुगार या पुहार नगर की जो नींव रखी थी, किसने रखी थी? करिकाल ने ही रखी थी। अब क्या हुआ था कि इन्होंने जो सिंहल जो देश था जिसे अपन कहते हैं श्रीलंका जो कहते हैं सिंहल, सिंहल पर क्या किया था, आक्रमण किया था, यूं कह सकते हैं सिंहल ने क्या किया था इस करिकाल के जो साम्राज्य पर आक्रमण किया था। तो इसने क्या किया, उन सिंहल के जो योद्धा थे उनको क्या करा दिया, हरा दिया। हराने के बाद क्या किया, उनको मजदूर बना दिया। ध्यान दीजिएगा, करिकाल के समय में क्या होता है, सिंहल से क्या होता है, आक्रमण होता है, और ये करिकाल क्या करता है, उनको बुरी तरह से हरा देता है और उसको क्या कर देता है, मजदूर बना देता है। और मजदूर बनाकर क्या करता है, जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी के किनारे 100 मील लंबे बांध का निर्माण करवाता है। इनसे जो सिंहल देश के जो योद्धा थे, सिंहल राज्य के जो योद्धा थे, उनको क्या करता है, ये हरा देता है और उनको मजदूर बनाकर जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी के किनारे 100 मील लंबे बांध का निर्माण करवाता है। कौन करवाता है? करिकाल। और क्या करता है करिकाल, इनकी जो राजधानी थी चोल वंश की कौन सी थी? उरगपुर। करिकाल क्या करता है कि राजधानी को, देखो राजधानी को उरगपुर से कहां ले गया, कावेरी पत्तनम तक ले गया। राजधानी को कहां ले गया, ये उरगपुर से कावेरी पत्तनम को अपनी राजधानी बनाता है। अगला आता है राजराज प्रथम। राजराज प्रथम के बारे में ध्यान रखिएगा,
कि ये दक्षिण भारत पर इन्होंने क्या किया, एक छत्र राज किया दक्षिण भारत का, ये एक छत्र सम्राट था, इसके आसपास में कोई बड़ा राजा नहीं था। और याद रखिएगा इन्होंने क्या किया, तंजौर को अपनी राजधानी बनाया, तंजौर में शिव राज राजेश्वर जिसे अपन बोलते हैं वृद्धेश्वर भी बोलते हैं, तंजौर में शिव राज राजेश्वर या जिसे अपन वृद्धेश्वर भी कहते हैं, उनका मंदिर इन्होंने बनवाया था। इसके इसका जो पुत्र था जिसका नाम था राजेंद्र प्रथम, देखिएगा इन्होंने क्या किया, गंगा के आसपास का जो अधिकार है उस पर अपना अधिकार कर लिया राजेंद्र प्रथम ने। इसलिए इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की, गंगे कोंड की उपाधि धारण की। जो राजेंद्र प्रथम है ये क्या करता है, गंगा नदी का जो आसपास का क्षेत्र है उस पर क्या करता है, अपना अधिकार कर लेता है, जिसका कारण इसने कौन सी उपाधि धारण की, गंगे कोंड की उपाधि ये धारण करता है। और क्या होता है, देखो इसका एक पुत्र था जिसका नाम था राजा धीराज, क्या नाम था, राजा धीराज। राजा धीराज को क्या करते हैं, चालुक्य जो वंश के जो शासक थे क्या करते हैं, इसको मार डालते हैं राजा धीराज, जो कि राजेंद्र प्रथम का क्या था, पुत्र था। इससे राजेंद्र प्रथम क्या होता है, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है, चालुक्य ऊपर क्या करता है, आक्रमण करता है और शीघ्र ही क्या कर लेता है, उनसे क्या करता है अपना जो मतलब बदला जो है वो क्या करता है, पूरा करता है। अब अपन देखते हैं इनमें जो प्रशासन की व्यवस्था जो है चोल वंश के अंदर किस प्रकार की थी, किस प्रकार की कलाएं जो है प्रसिद्ध थी, उसको लेकर हम चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं हम जो चोल जो वंश था उसमें जो प्रशासन व्यवस्था थी, सरकार जो है किस प्रकार से कार्य करती थी, जो प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार की थी, उसको लेकर हम चर्चा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा कि क्वेश्चन बन सकता है कि चोल प्रशासन के या चोल वंश की जो प्रशासन व्यवस्था है उस पर टिप्पणी लिखी या लेख लिखी, प्रश्न बन सकता है। फिर कह रहा हूं मैं, चोल प्रशासन या माफ कीजिएगा चोल वंश की जो प्रशासन व्यवस्था है उस पर टिप्पणी लिखी है, यूं भी बन सकता है कि चोल प्रशासन पर टिप्पणी लिखी है। तो चोल प्रशासन किस प्रकार, यानी चोल वंश में जो प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार की थी, उसको लेकर हम बात करते हैं। देखिएगा चोल प्रशासन में जो प्रशासन व्यवस्था जो थी किस प्रकार की थी, ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित थी। यानी जो चोल वंश है उसके अंदर जो शासन व्यवस्था जो थी, प्रशासन व्यवस्था जो थी, किस प्रणाली पर आधारित थी, वर्तमान में जो हमारे जो ग्राम पंचायत प्रणाली जो है, ग्राम पंचायत प्रणाली जो शासन व्यवस्था है इस पर आधारित थी। यानी इन पर गांव का जो मुखिया है ये सरपंच हुआ करता था, और जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर सरपंच का जो चुनाव होता है, सरपंच का क्या होता है, निर्वाचन होता है, प्रत्येक 5 वर्ष में जो है सरपंच का निर्वाचन होता है। तो उस समय क्या होता है कि 1 वर्ष के अंदर सरपंच का निर्वाचन होता था, चुनाव होता था। देखिएगा जो पूरा जो राज्य है, पूरा राज्य 6 भागों में, 6 प्रांत में बटा हुआ था, पूरा राज्य जो है 6 प्रांत में बटा हुआ था। प्रत्येक प्रांत को क्या कहते थे, मंडलम कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पूरा जो प्रांत है ये 6 यानी पूरा जो राज्य है चोल प्रशासन का, ये जो है 6 प्रांतों में बटा हुआ था, जिसमें प्रत्येक प्रांत को क्या कहा जाता, मंडलम कहा जाता था। मंडलम को भी और छोटे भागों में बांटा जाता था, मंडलम को जो छोटे भाग थे उनको क्या कहा जाता था, कोटम कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा, पूरे एक राज्य को 6 यानी पूरा जो इनका जो साम्राज्य है ये 6 प्रांतों में बटा हुआ था, उसमें से जो प्रत्येक प्रांत है उसको क्या कहा जाता था, मंडलम कहा जाता था। मंडलम के जो छोटे भाग थे उनको क्या कहा जाता था, कोटम कहा जाता था। और कोटम को और छोटे भागों में बांटा जाए तो कोटम के जो छोटे भाग थे उसको कहा जाता था नाडू, कुरम और ग्राम जो है कहा जाता था। अब बात करते हैं जो नाडू की जो सभा होती थी, नाडू जो ये जो है नाडू में जो सभा होती थी, नाडू की सभा को क्या कहा जाता था, नाटर कहा जाता था। नाडू की जो सभा है उसको क्या कहा जाता था, नाटर कहा जाता था। और जो नगर जो थे, नगर की जो श्रेणियां है उसको क्या कहा जाता था, नगरतार कहा जाता था। नगर की जो श्रेणियां है उसको क्या कहा जाता था, नगरतार कहा जाता था। अगले बात करते, देखो गांव के प्रतिनिधि प्रति वर्ष क्या होते थे, निर्वाचित होते थे। यानी जिस प्रकार से भी मैंने बताया था कि हमारे यहाँ पे भी वर्तमान में जो सरपंच का जो चुनाव होता है ग्राम पंचायत के ऊपर, वो 5 वर्ष में होता है। यानी वहां जो गांव के जो प्रतिनिधि हुआ करते थे प्रति वर्ष उनका क्या होता था, निर्वाचन चुनाव होता था। बात करते अपन मंडलम की, देखो मंडलम को स्वायत्तता यानी स्वतंत्रता थी, मंडलम को स्वायत्तता प्राप्त थी, मंडलम को स्वायत्तता प्राप्त थी, लेकिन इतनी स्वायत्तता प्राप्त नहीं थी कि ये राजा का क्या कर सके, विरोध कर सके। जिस प्रकार से अगर हम वर्तमान में अगर हम बात करें, जैसे मान लो कि कोई भी आम नागरिक जो है या किसी भी पार्टी का है वो शासन के खिलाफ बोल सकता है, शासन का ये विरोध कर सकता है, प्रधानमंत्री हो उसके खिलाफ बोल सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो स्वायत्तता है तो मंडलम को अधिकार तो थे, लेकिन राजा के खिलाफ ये कुछ या फिर राजा को ये नियंत्रित कर सके इस प्रकार के, यानी वर्तमान अगर अपन बात करें, जैसे हमारे वर्तमान में जो भारत की जो शासन व्यवस्था है इसके अंदर विपक्ष की व्यवस्था है, जो क्या करती है, सरकार की आलोचना करती है, सरकार की नीतियों के खिलाफ क्या करती है बात करती है, सरकार की खामियों को क्या करती है जनता के सामने रखती है,
और राजा जो है अगर मान लो प्रधानमंत्री जो है अगर गलत कर रहा है तो उसको कंट्रोल करने की जो कोशिश करती है, लेकिन ये जो अधिकार है इनके पास नहीं था। यानी कोई केंद्रीय विधानसभा ऐसी नहीं थी जो राजा को क्या कर सके, नियंत्रित कर सके। यानी जो मंडलम को स्वायत्तता के अधिकार प्राप्त थे लेकिन ये राजा को नियंत्रित नहीं कर सकते थे, यानी राजा को नियंत्रित करने के लिए किसी प्रकार के कोई केंद्रीय विधानसभा जो है नहीं थी। अगले अपन बात करते हैं भूमि उपज का जो छठा भाग है सरकार को टैक्स के रूप में देना पड़ता था। भूमि उपज का जो छठा भाग है ये सरकार को टैक्स के रूप में देना पड़ता था, यानी लगान के रूप में जितनी भी जो उपज होती थी खेतों के अंदर उसकी उपज का छठा भाग सरकार को देना पड़ता था। अब टैक्स के रूप में क्या दिया जा सकता था, टैक्स के रूप में अनाज या स्वर्ण मुद्रा दी जा सकती थी। यानी टैक्स के रूप में अनाज या स्वर्ण मुद्रा दी जाती थी। उस दौरान जो सोने के सिक्के प्रचलित थे, प्रचलित सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था, कासू कहा जाता था। प्रचलित सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था, कासू कहा जाता था। और जो ये सिक्का जो है 16 औंस का हुआ करता था, कितने को कितने औंस का हुआ करता था, 16 औंस का ये सिक्का हुआ करता था। और जो चोल जो राजा हुए थे ये सेव समाज को मानते थे, सेव धर्म के क्या थे, अनुयायी थे। चोल वंश के जो राजा है समाज व्यवस्था की अगर हम बात करें तो ये सेव धर्म के क्या थे, अनुयायी थे। और इस समाज के अंदर जो स्त्री जो है वो संपत्ति की क्या थी, मालिक की होती थी, यानी स्वामिनी जो होती थी। और दास प्रथा जो है यहाँ पर दास प्रथा और देवदासी प्रथा जो है इस दौरान समाज में क्या थी, प्रचलित थी। अब हम बात करते हैं जो चोल वंश है इनमें जो किस प्रकार की कला थी उसको लेकर हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं चोल वंश की जो कला है उसको लेकर हम बात करते हैं। देखिएगा इनकी जो शैली थी, चोल वंश की जो शैली थी, चोल वंश के दौरान जो कौन सी शैली थी, द्रविड़ शैली थी। पूछा जा सकता है एक नंबर में क्वेश्चन, चोल वंश की जो शैली थी कौन सी थी, द्रविड़ शैली थी। अब देखिएगा इसके जो उदाहरण कौन कौन से मिल सकते हैं अपने को, देखो वर्गाकार विमान है, मंडप है, गोपुरम है, कलापूर्ण स्तंभ युक्त वृह सदन है, उसी प्रकार से दक्षिण भारत की जो नहर प्रणाली है वो भी है, और जो शिव नटराज है उसकी जो कांसे की मूर्ति है इसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। नटराज की मूर्ति आपने कई बार देखी भी होगी, बृहदेश्वर मंदिर है। इस प्रकार से जो ये इनकी जो द्रविड़ शैली है इसके दौरान ये बहुत सारी जो कलाओं के बारे में अपने को देखने को मिलता है। तो बड़ा जो क्वेश्चन बन सकता है चोल वंश को लेकर, एक बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और मुख्य रूप से चोल वंश की जो प्रशासन व्यवस्था है उसको लेकर आपके प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके आगे का अपन अगली कक्षा में पढ़ेंगे, तब तक आप पढ़ाई करते रहें, समय आपके पास कम है, मात्र 10 दिन आपके पास आप बचे हैं, तो आप रेगुलर पढ़ाई करते रहें, ठीक है। धन्यवाद।